खबर बिहार के किशनगंज से, जहां ग्रामीण विकास विभाग बिहार पटना के द्वारा किशनगंज जिले में सामाजिक आकांक्षण का कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिले के 7 प्रखंडों में 42 पंचायतों का आकांक्षण 12 अगस्त 2023 से 16 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा, जबकि पोठिया प्रखंड सहित ठाकुरगंज, दिगल बैंक, टेढ़ागाछ, किशनगंज और बहादुरगंज प्रखंड में 6-6 पंचायत शामिल है। तो वहीं सोमवार को पोठिया प्रखंड के दामलबाड़ी पंचायत भवन में के प्रांगण में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राष्ट्रीय निःसशक्तता पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आकांक्षण किया गया। गौरतलब है कि दामलबाड़ी पंचायत में सामाजिक आकांक्षण में 8 पेंशनधारियों को मृत्यु और 4 पेंशनधारियों को पेंशन की राशि पिछले कुछ महीनों से नहीं मिलने की पुष्टि हुई है। जी, ये लाभार्थी जो पेंशनधारी है उसी को लेकर के हम लोग जो है यहाँ बैठे थे। बैठकर के ये चीज़ देखा गया कि पंचायत में बहुत सारे ऐसे लाभुक है जिसको अब तक जो है 5 माह हुआ 6 माह तक अब तक पेंशनधारी नहीं मिल पा रहा है। उसी के बारे में उसको अंकित किया गया, लिखा गया है। अब बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी है जो मृत्यु हो चुका है, अब तक पेंशन मिल रहा है, उस पर स्टॉक की जो है बातचीत चली, उस पर लिख करके दे दिया गया और पेंशन जो रुका हुआ है उसको दिया जाए। का उद्देश्य है, मान लीजिए दामलबाड़ी पंचायत में 4 योजना है, ठीक है, ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन और ये निःशुल्कता, इंदिरा गांधी निःशुल्कता पेंशन, ये 4 योजना का ही ऑडिट हो रहा है पंचायत में। मान लीजिए कोई भी वार्ड में, पंचायत में कोई आदमी मृत्यु हो गया है तो उसका नाम काट दिया जाएगा, रद्द किया जाएगा, और जिसका 2-4 महीना से वृद्धा पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा है तो उसको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा। कितने केस आए आपके पंचायत में? केस 12। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रंजय प्रसाद सिंह, SARP।